बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। चारा लेने के लिए गया हुआ था लेकिन आज हम जल्दी फारग हो गए हैं। क्यों? दात्रे के साथ हमारे आज जो चारा काटा गया दात्रे के साथ काटा है। तो ये देखें, एक पंड ले आया हूँ तो एक रहती है पीछे, वो अभी लेने चलते हैं। मेरी तो तेनू की शर्म आंदी? नहीं, कोई डायलॉग मेरा बंदे खाली बना रहे हैं। डायलॉग मार ले, तू डायलॉग मार ले इधर। अरे मूड नहीं डायलॉग, तू तने उठ जा। तू सुत्ते पे उठ के डायलॉग नहीं मारदा? कोई आ ही नहीं आ रहा। ये मेरे कमरे में अंधेरा काफी है, लाइट बंद रखता हूँ मैं, रोशनी अच्छी नहीं लगती है। तो अभी हम दोस्त की बैठक में थे, उसके पास ही बैठा हुआ था मैं। क्यों? हम कुछ सीख रहे हैं तो उसकी कुछ प्रैक्टिस करने के लिए उसकी बैठक में गया था। तो वो करते रहे हैं, जो हमारा दूसरा दोस्त है उससे कुछ सीखते हैं हम ग्राफिक्स का जो काम है ना वो सीख रहे हैं। वो दूसरा जो दोस्त है ना हमारा, उसको आता है तो उसने कुछ सबक हमें दिया हुआ है, हम उसकी तैयारी करते रहते हैं। तो अभी भी उसके हवाले से मैं गया था दोस्त के बैठक में, तो उधर काफ़ी टाइम यही काम किया हमने, सीखते रहे हैं। तो शाम को बुलाएंगे उनको, कुछ दिखाएंगे अपनी सूरत हाल कि कितना हमने सीखा है। मैंने सोचा ये जो दो माह छुट्टियों के, इनको कोई कीमती बनाया जाए, इनमें कोई काम वगैरह कर लिया जाए। तो बस अभी घर वापस आया हूँ, कुछ आराम करने का मूड है। क्यों? पहले चारा लेके आया हूँ तो अभी उधर चला गया हूँ, तो कुछ थकावट सी हो रही है। नहीं हो गए दर्जा रात हो गई। हम्म, मैं दो दिन ही हो गए दर्जा रात ज़्यादा है। आज के नसी दर्जा रात वही 35-37 ही होगा, 3 तक रहना ज़्यादा नहीं। दोपहर उस वक्त आराम किया मैंने, उसके बाद उठा हूँ, जोर की नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद तकरीबन 3 की बजे नहाया हूँ, कपड़े चेंज किए हैं। तो अब असर की नमाज़ पढ़ के बाहर निकले हैं। क्यों? दिन में कुछ होता ही नहीं है और ना ही आजकल कोई बाहर का काम है। क्यों? कनकें वैसे पकने वाली हैं और चारा हमारा वैसे लगा हुआ है। ये छोटा मोटा इसका पानी का काम होता है वो कर लेते हैं, वगरना कोई दिन का काम नहीं है। बस आगे थोड़े दिन है उनके बाद हमारी कनकों की कटाई भी होगी। कनकों की कटाई के बाद उसके बाद कुछ काम होगा ज़मीनों का, वो फिर देखेंगे क्या होता है कि आगे क्या काम करते हैं। तो अभी तो सिर्फ बाहर आए हैं, बाहर का माहौल हम दोनों ही हैं आज भी। ये देखें, स्प्रे पा देंगे, खाद पा देंगे, खाद ना फिर आगे 2 किलो कट जाएगा चंगे जे।
दे टूबल चलन लगा। ये सात वाली जमीन वाले पानी लगाने लगे हैं तो टूबल चलने लगा, हम उधर जाने लगे हैं टूबल के पास। ये देखें ये अभी चंगा बना रहा है ना, ये मिट्टी चंगा रहा है। हम आए थे कि टूबल चलेगा लेकिन अंदर से कोई ख़राबी है, पता नहीं पीछे से बंद है या कोई अंदर से बटन वगैरह ख़राब है। काफ़ी वो कोशिश करते रहे हैं जिन्होंने चलाना था, नहीं चला, तो फिर हम इधर ही बैठ गए हैं। पानी वो है ही बर्तन ही नहीं चला, डब्बन चला गया। ये देखें इधर बैठे हैं। ये देखिए काफ़ी टाइम हो गया हमें इधर आए हुए, सूरज का ग्रूब होने का टाइम हो रहा है। हमारा भी मूड बन रहा है कि अभी हम घर का इरादा करें घर को जाने का, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, असर के वक्त आए थे तकरीबन घंटा घंटा हो गया ना, घंटा हो चुका है। तो आप बहन आए थे बाहर का माहौल देख। ये देखें कनकों का भी टाइम नज़दीक आने वाला है, पकनी शुरू हो चुकी हैं, 10 से 12 दिन और लेंगे ये। नहीं तैयार तो नहीं है, वो पीछे परली साइड दे काफ़ी गिल्ली पई है। 2 मिनट ये देखें माशाल्लाह कैसे इकट्ठे होकर बैठे हैं, सब बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, एक ही जगह पे बैठे हैं इकट्ठे होकर। ये तो 24 घंटे गुस्से में ही रहते हैं, और ये बच्चे जो परों में लेके बैठी हुई है। काफ़ी बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, इनको जितना ज़्यादा पानी मिले वो इतने ही ज़्यादा जल्दी बड़े होते हैं ये, तो माशाल्लाह पानी में रहते हैं काफ़ी टाइम। ये देखें मारने की वजह से कैसे कितनी मुश्किल कर रहा है ये। रात का काफ़ी टाइम हो रहा है, तकरीबन 9:15 हो रहे हैं। तो अभी ये मैट्स है ये थोड़ा सा लगाता हूँ मैं अपने कमरे में, क्योंकि कमरा छोटा सा है तो ज़्यादा लगाने से ज़्यादा टाइम चलता है और रात को सोना मुश्किल होता है इसके साथ, क्यों गला वगैरह इसके साथ ख़राब हो जाता है। तो अभी इसको लगा के थोड़ी देर के लिए कमरा बंद करेंगे, तो इतनी देर में ये जो मच्छर वगैरह ये ख़त्म हो जाता है, इसी से ख़त्म हो जाता है। तो ये देसी जुगाड़ है, वैसे तो ये किसी और चीज़ में लग नहीं सकता है, तो ये नेल कटर है, इसमें रोज़ाना मैं इसी में लगाता हूँ, इधर ही पड़ा रहता है, चल भी जाता है रात को, तो तकरीबन इसको आधा घंटा लगता है।
तो इतनी देर में मैं दूसरे कमरे में इंतज़ार कर लेता हूँ, बंद कर देता हूँ, क्यों जब तक ये धुआँ इधर होता है तो मैं इधर नहीं होता हूँ, तो जब ये ख़त्म हो जाता है उस वक्त आता हूँ कमरे में, क्यों पहले भी गला मेरा एक दो बार इसके साथ ख़राब हुआ है, लेकिन अब ठीक है, लेकिन मैं इसका परहेज़ करता हूँ। तो बस आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।